कैसे हो? सभी को राम राम। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ वीकली करंट अफेयर का तोड़ लेकर। इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान या और बर्ड तीनों का समावेश लेकर आए हैं और उस बारे में सिर्फ किस की नहीं से बनने वाले जितने सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो ये क्लास अपने पास फिर जरूर। ठीक है, और अगर पसंद नहीं आए अपने उच्च विचार है कमेंट जरूर कमेंट। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है परिष्कार परिवार के यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं थोड़ा सा बोल बाद में आपका आप नाराज हो गए। अगर आप नाराज हो गए आपकी वाइफ मेरे पास कैसे पहुंचे? वाइफ अगर आपके पास आपकी पॉजिटिव वाइफ मेरे पास नहीं, मुस्कुराता हुआ और नई ऊर्जा और नए जोश कैसे आप सभी हो पाऊं? आपका हुक्म और आपकी पॉजिटिव वाइब आपका प्यार ही एनर्जी देता है और आप सभी हाजिर हो जाता हूं नए क्वेश्चन का नए कुछ लेकर सामने। ठीक है, नई ऊर्जा और नए जोश से। तो अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक प्यारा सा पॉजिटिव कोट अपन उस बारे में डिस्कस करते हैं ताकि अब क्लास का माहौल है वो पूरा पॉजिटिव। तो आपके सामने प्यारा सा कोट है कि हर कोई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। कि हर कोई बताएगा कि मंजिल तक आपको पहुंचना है। हर कोई बताएगा आपको कि मंजिल तक पहुंचना है, पर ये कोई नहीं बताएगा कि सारा जीवन सफर में ही गुजरे। कि सारा जीवन सफर में ही गुजरेगा। जिस रोज तुम ये जान गए रोज मंजिल सफर के बीच में है तो फासला बहुत कम लगेगा। ठीक है ना, कि उस रोज मंजिल और जीवन के बीच आपको फासला बहुत कम लगेगा। मैं एक बार वापस प्यारी से लाइनों को रिपीट कर देता हूं कि हर कोई बताएगा कि मंजिल तक पहुंचना है। कि हर कोई बताएगा कि मंजिल तक पहुंचना है, पर ये कोई नहीं बताएगा कि सारा जीवन सफर में ही गुजरेगा। जिस रोज ये समझ जाओगे उस रोज मंजिल और जीवन फासला कम लगे। हर कोई हमें बता देगा कि आज तुम्हारी मंजिल है, तुम ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा हरा जीवन एक सफर में, लेकिन वो सफर है आपको प्यारा और खूबसूरत। ठीक है ना, सफर में इसलिए गुजरेगा क्योंकि हम इंसान एक छोटी सी मंजिल पाने के बाद में नेक्स्ट वाली में चलते। वैसे भी जिंदगी का नाम ही मंजिलों प्राप्त करते जाओ, संघर्षों से लड़ते जाओ, ये तो जीवन, ये जीवन एक दिन सफर ही तो है। अपना जीवन एक एक दिन सफर में कम होते जा रहे हैं और सफर का दी है मृत्यु जीवन की, जब वो आएगी और गले लगाएगी हमारा जीवन आत्मा। मैं कहता हूँ याद रख लेना, हर कोई बेवफा हो सकता है लेकिन मृत्यु बेवफा नहीं, वफादार होती है। जिस दिन जन्म होता है आपकी मृत्यु लिख दी जाती है, वो आपके इर्द गिर्द ही बस आपका ध्यान रखती का मन हो जाता है कि वो आदेश मिल जाता है, वो अपनी वफादारी निभाती है और आपको अपने साथ गले लगा कर ले जाती है। ये कुछ लाइनें थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने ये रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप बने रहिएगा। ठीक है ना, ये लो ऐसा क्या कर देते, क्या कर देते, आई होप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कि अवैध खनन और थार के रेगिस्तान को के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? अवैध खनन किसमें हो रहा है? अरावली पर्वतमाला के अंदर अवैध खनन हो रहा है। और थार के मरुस्थल को कैसे रोका जा रहा है? देखो, थार का मरुस्थल
तब जो पश्चिम राजस्थान से जो हवाएं चलती रहती है और वो मिट्टी है वो आगे चलती रहती है, के मनुष्य निरंतर है वो विस्तार हो रहे हैं, तो रोक कौन रही है? अरावली पर्वतमाला ही रोक। लेकिन अब क्या है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर बहुत सारे अवैध खनन होने लग गए हैं, जिससे ये पहाड़ है ना, बस अब अरावली पर्वतमाला बहुत कम बची। पहाड़ों को काट काट के हम इंसानों ने का उपयोग कर लिया है सारा कुछ, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया, जिससे थार मरुस्थल है वो बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट चलाया है, जिसका नाम क्या है? तो जनाब उस प्रोजेक्ट का नाम है अरावली ग्रीन वॉल। क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? नाम है अरावली ग्रीन वॉल। ठीक है, याद रख लेना, अरावली ग्रीन वॉल रेगिस्तान के थार के मरुस्थल का बढ़ता हुआ विस्तार और अरावली के अंदर होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए चलाया गया है सरकार द्वारा। और यह किस प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड होकर चलाया गया है? तो अफ्रीका, अफ्रीका में अंदर आप सबको पता है सारा मरुस्थल है, अफ्रीका में सारा मरुस्थल है, उसको रोकने के लिए ग्रेट ग्रेन वॉल प्रेरित है, मतलब ग्रेट ग्रेन वॉल है वो प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसी के बदौलत है, उसी से इंस्पायर होकर वो कौन सा चलाया गया है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, याद रख लेना। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने जिले शामिल है? तो जनाब इतने 18 जिलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है। जनाब इसके अंदर 18 जिलों को शामिल किया गया है, याद रख लेना। और अगर इसकी बात की जाए कि इसमें स्टेट कितने हैं, तो चार स्टेट है, आप सबको पता है कि हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, इन चारों में अरावली का विस्तार है। सबसे ज्यादा अगर अरावली का विस्तार की बात की जाए तो वो किस में है? अपने प्यारे राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, और चार राज्य याद रख लेना, और 18 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना। यह महान विभाजक रेखा मतलब क्या है? तो अरावली को क्या कहते हैं जनाब? अरावली को क्या कहते हैं? एक तो देखो अडावल भी कहा है, अडावल भी कहा है, ठीक है ना। और एक के बोले हैं, एक मानसून की महान भाजक रेखा भी बोलते, ठीक है, भाजक रेखा भी बोलते। क्या आप सर ऐसे कैसे कह रहे हो विभाजक रेखा? तो देखो अरब सागर का जो मानसून आता है ना, वो बांसवाड़ा से होता हुआ ऐसे मानसून है, ऐसे जाता है, फिर हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर वापस आते वक्त है वो क्या कर देता है? बारिश करता है। तो ये आते हुए करता है, और पूर्वी राजस्थान में अच्छा बारिश होती है, बस पश्चिम राजस्थान के अंदर कम बारिश होती है। तो ये जब अरावली ऐसे आती है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाली रेखा बनाता है, मतलब इस इधर पश्चिम राजस्थान में बहुत कम होती है। फिर एक थोड़ी रेखा और है 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा, अपन आते हैं 25 से 50 वाले के अंदर, बीकानेर और चूरू और ये झुंझुनू सीकर ये से कहाँ आ जाते हैं 25 से 50 में आ जाते, फिर जयपुर 50 के बाद में क्या आना जाता है, इसलिए बारिश होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, ये इधर के सारे क्षेत्र है वो 25 में, बीकानेर में 0 जाते हैं, माफी चाहता हूँ, लास्ट में इधर रह गया ना। ठीक है, ये याद रख लेना अरावली के बारे में। एक और आपको बता दूँ, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो किस संभाग में आती है, याद रख लेना। बांसवाड़ा नया संभाग बना है, बांसवाड़ा संभाग के अंदर आती है, आप ये भी याद रखना। अब अगर पूछे जाए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची वाला संभाग कौन सा है, जनाब बांसवाड़ा संभाग है, बांसवाड़ा, ठीक है ना, बांसवाड़ा संभाग है। अब आप उदयपुर मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने दो की नई किस्म तैयार की है? किसकी? दो की नई किस्म, अब किसके तैयार की गई है? दो की नई किस्म तैयार की गई है, ठीक है, दो की नई किस्म तैयार की गई है। अब देखो किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है, तो वो भी एक बार आप है वो देख लो, ठीक है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई है, तो वो आपको याद रख लेना, कर्ण नरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय, तो कहां पर है? डोबनेर के अंदर है, उसके द्वारा क्या की गई है?
तो ये दो की नई किस्म तैयार की गई है। अपन पीछे क्वेश्चन डिस्कस भी किया था जिसके अंदर है वो किसके तैयार की गई थी, अपन गेहूं के बारे में भी डिस्कस किया था, गेहूं के बारे में भी डिस्कस किया था, और प्रताप शंकर जो मक्का की किस्म है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये याद रख लेना कि किस विश्वविद्यालय ने जो की नई किस्म तैयार की है, तो करण नरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय। तो कहां पर है, डोबनेर के अंदर है, डोबनेर कठे पड़े रहे, डोबनेर पड़े जयपुर, कहां पड़ता है, डोबनेर जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब देखो याद रख लेना जो की नई किस्म है। अब ये जो की नई किस्म क्या है, देखो जो की नई किस्म ये है, जैसे मैदा बनता है ना वो किसका बनता है, गेहूं का बनता है। ठीक है, गेहूं के छिलके को उतार दूं। अब ये किस्म तैयार की गई है जो जो का छिलका कभी उतरता नहीं है, आप सबको पता है जो का छिलका उतरता नहीं है, लेकिन ये किस्म है ना इसका क्या, जो का छिलका उतर जाएगा। जो का छिलका उतरने के बाद में जो व्हाइट व्हाइट बचता है ना, जैसे गेहूं का मैदा बचता है, वैसे ये बीज तैयार किया जाएगा, और फिर ये मार्केट के अंदर है वो क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब ये जारी किसने की है, तो ये जारी की है जोबनेर, जो कौन सा, श्री नरेंद्र कृषि है जो अपने जयपुर के अंदर है ना, उसके द्वारा ये किस्म तैयार की गई है। अब अपने दिमाग में क्यों ये उठता है कि सर ये तो बता है कि आपने बता दिया कि इस कृषि विश्वविद्यालय ने तैयार किए, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये आप याद रख लेना पांच कृषि विश्वविद्यालय। कितने, पांच कृषि विश्वविद्यालय, एक तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, एक मंडोर कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, एक कोटा विश्वविद्यालय जो कहां पर है, कोटा के अंदर है, एक स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। ये पांचों कृषि विश्वविद्यालय आपको काफी बार मैं रिपीट करवा चुका हूं, रिवीजन करवाता हूं, याद रख लेना, अच्छे अच्छे हैं। वो क्वेश्चन आ जाए जो प्रताप शंकर मक्का की किस्म है ना वो किसने तैयार की थी, तो वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो कहां पर है जनाब, उदयपुर के अंदर है। कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उसके द्वारा तैयार की गई है, घटा सावन की घटा। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में पीएलएफएस, कि हाल ही में पीएलएफएस के सर्वे के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में कितने प्रतिशत बेरोजगारी दर रही है। हाय हाय, बेरोजगारी ये आज के युवा का वो दर्द है तो किसी को बताया नहीं जा, लेकिन अपने अंदर सब है वो समाकर रखते हैं बेरोजगारी का दर्द। ठीक है, तो इसमें आपने राजस्थान की कह रही है, इसमें राजस्थान की बेरोजगारी दर रही है जनाब 24%। कितनी रही है, 24% रही है। सबसे एक नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही है वो कौन सा स्टेट है, तो जनाब याद रख लेना केरल स्टेट है। कितनी, 31% है वो बेरोजगारी दर रही है। कितनी, ये भारत के प्रीफिक्स में देखा जाए तो ये क्वेश्चन हो जाता है, और अपने राजस्थान के प्रीफिक्स में देखा जाए तो याद रख लेना कि राजस्थान की 24% है वो क्या रही है, बेरोजगारी दर रही है। अब देखो कि सर सबसे कम किस में रही है, तो सबसे कम अगर बात की जाए तो 3.1 है वो दिल्ली के अंदर रही है। सर्वाधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के द्वारा है ये जारी की गई है रिपोर्ट, ये किसका नाम है इसकी है, आप याद जरूर रख लेना। अब राजस्थान के बारे में थोड़ी सी देख लो, टोटल कितनी है 5,030, जिसके अंदर रेड क्लिफ की रेखा कितनी है, लंबाई है 1,070। सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट से लगती है, सॉरी स्टेट से लगती है, तो ये पंजाब से लगती है। ठीक है, याद रखना। अब राजस्थान के अंदर एक नई घोषणा हुई थी 17 मार्च 2024 की बात है। ठीक है, ये घोषणा क्या हुई थी, ये घोषणा हुई थी अपने नए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, 19 नए डिस्ट्रिक्ट है, कितने 19 नए डिस्ट्रिक्ट है वो बनाए गए थे। तो क्या सर खाली 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे ना, 3 संभाग भी बनाया गया। कितना, 3 संभाग भी बनाया गया। इसी के आधार पर राजस्थान के अंदर 10 तो संभाग हो गए और टोटल 50 है वो क्या हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए। जो 3 बाद में घोषणा की गई थी है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, उस पर अभी दुल्ली है वो लटक रही है, हो सकता है वो हो जाए, लेकिन जहां तक है वो उन पे
उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जाएगा, तो ये याद रख लेना। अब इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम था रामा लोभाया कमेटी, तो ये याद रख लेना, ठीक है। और इन नए जिलों का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को है वो, इन नए जिलों का क्या बनाया जाएगा? स्थापना दिवस मनाया जाएगा, ये याद रख लेना। जो 3 नए संभाग बने थे वो कौन से थे? टीपीएस बांसवाड़ा, पाली, टिक्कर, ठीक है ना, याद रखें। आप पहली बीकानेर के अंदर आते हैं, अब की मैं आ गया, अब आप आन ला गया है, हुस्कर अंदर आन ला गया, ठीक है, याद रख लेना ये, ठीक है। ये अपन पूरे राजस्थान के बारे में, एक राजस्थान के बारे में पीछे मैं भी डिस्कस किया था क्वेश्चन कि दुग्ध उत्पादन में अपना राजस्थान को स्थान पर है, जनाब 2023 में तो एक पहले स्थान पर था, लेकिन 2024 के अंदर है वो दूसरे स्थान पर आ गया। तो क्या सर पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर यूपी है, ठीक है। अब चलना आगे, चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रस्थान करा, ठीक है, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो ये याद रख लेना, कितनी पार्टी को है जनाब? तो ये 6 पार्टी को है, 6 पार्टी को है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हो रहा था ना, उस टाइम है वो कितनी पार्टियां थी? टोटल 14 पार्टियां थी, कितनी पार्टियां थी? 14 पार्टियां थी। अब कौन कौन से हैं? के बाद में कुछ रद्द हो गई, जितनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, 3 टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो अभी है वो भाजपा है, सबको पता है, कांग्रेस है, सबको पता है, बहुजन समाज पार्टी है, वो CPI है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है, और ये आप है, आप नहीं, आम आदमी है ना, बाकी आप भी तो पार्टी हो, तो ये अभी 6 पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब देखो इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इनकी शर्तें क्या है। देखो इनकी शर्तें ये है कि कम से कम है वो आपको है कम से कम 3 अलग अलग स्टेट के अंदर, कम से कम 3 अलग अलग स्टेट के अंदर जितनी टोटल लोकसभा की सीटें ना का कितना प्रतिशत होना चाहिए, कुल सीटों का 2% सीटें हैं वो आपके पास जीते हुए होने चाहिए, ठीक है ना, 2% सीटें हैं वो जीती हुई होनी चाहिए टोटल लोकसभा सीटों, ठीक है, ये याद रखना, ये पहली कंडीशन। दूसरी है कि लोकसभा के अलावा कम से कम 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, मतलब पहली कंडीशन के अलावा 6% वोट भी तो प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वोट ही प्राप्त नहीं हो। फिर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। अब एक बार वापिस कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कितनी शर्तों की आवश्यकता होती है, 3 शर्तों की आवश्यकता होती है। पहली शर्त क्या है? पहली ये है कि कम से कम 3 स्टेट के अंदर टोटल लोकसभा की सीटें है ना उसका 2% सीटें जीती। दूसरी कि ये इन सीटों के अलावा टोटल जो जितना भी वोट है ना उसका 6% वोट है वो प्राप्त भी होना, प्लस इन दो के अलावा तीसरी ये है कि राज्य स्तरीय का पार्टी का भी दर्जा मिला हुआ। तो ये 3 पार्टी याद रख लेना, 3 शर्तें हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने की, ठीक है, याद रख लेना। अभी राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? टोटल 6 है, याद रखोगे ना? हाँ बिल्कुल याद रखना है, आपको बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। तुम हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई है? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है वो क्या रखी गई है? भूमि बहाली, मरुस्थली और सूखे के प्रति लचीलापन। भूमि बहाली मरुस्थली सूखे के प्रति लचीलापन रखा गया है। ये विश्व पर्यावरण दिवस आप सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है, तो उस पर ये थीम रखी गई। पहली बार है विश्व पर्यावरण दिवस 1973 के अंदर मनाया गया था। इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन है वो अभियान चलाया गया, एक पेड़ माँ के नाम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अब ये क्लास देख रहे हो, मोदी जी है वो तीसरी बार अपने महान और प्यारे भारत देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होंगे, उसका भाषण काम है वो चल रहा होगा, सभी को बधाई। अरे एक बार फिर वापिस है 3 पॉइंट है वो अपने प्यारे भारत पर
शासन करेंगे, चलाएंगे, राज करेंगे, एक भारत को नई दिशा और एक नया मोड़ दे, ईद करते हैं। ठीक है, 5 जून 2023 को नवीन वन नीति जारी की गई थी। कब? 5 जून 2023 को नवीन वन नीति जारी की गई थी, ठीक है ना। और सबसे पुरानी पहली वन नीति अगर आपको पूछ लिया जाए तो 2010 के अंदर, 18 फरवरी 2010 के अंदर जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूपचंद समदरिया स्मृति संस्थान स्मृति राजस्थानी भाषा का सेवा शिखर सम्मान किसे दिया गया है? कि हाल ही में रूपचंद समदरिया स्मृति राजस्थानी भाषा सेवा शिखर सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर जहूर खां मेयर को दिया गया है। प्रोफेसर जहूर खां मेयर को दिया गया है, जो ये मेयर है जनाब, ये जयपुर शहर के है, जयपुर शहर की ये मेयर है, ठीक है। इन्हें ये कौन सा रूपचंद समदरिया स्मृति राजस्थानी भाषा के अंदर पुरस्कार दिया गया है, और किसके द्वारा? तो नेम प्रकाशन दे नागौर के द्वारा दिया गया है। और ये कहाँ की है? तो ये जोधपुर जिले के हैं, ठीक है। राशि इनमें 51,000 रुपए है वो दी जाती है, याद रख लेना, ठीक है। नॉर्मल तो कुछ है, बाकी इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आ सकता है ये, आजकल पता भी नहीं चलता, पोस्ट लगता है वो कई बार छोड़ देता है, और लगता भी नहीं है वो कई बार है, वो पूछता है कि हाल ही में राजस्थान में कुल कितने बाघ पाए गए हैं। देखो, हाल ही में राजस्थान में कुल कितने बाघों की संख्या की गई है टोटल, तो वो 134 कितने बाघों की, 134 बाघ है वो अपने राजस्थान के अंदर है। अभी कुछ एक नहीं मिले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है क्या की गई है, उसी के अकॉर्डिंग इनकी है वो काउंटिंग की गई है, तब ये है, ठीक है। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? देखो, तो काफी बार डिस्कस कर दिया कि राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है। कितना? 5 टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। रणथंभौर की बात है 1973, कब की बात है? 1973 की बात है। 1973 के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। सरिस्का 1978 के अंदर, कब? 1978 के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। मुकुंदरा हिल्स की बात है, इसको 2013 के अंदर है क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। रामगढ़ 20 तारी, आप सबको पता है 20। करौली धौलपुर अभी लेटेस्ट बना है 2023 के अंदर, ये आप याद रख लेना। 4 टाइगर रिजर्व 1973, 78, 13, 21 थे। 5 टाइगर रिजर्व, सबसे बड़े की बात की जाए रामगढ़ 20 तारी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, याद रख लेना। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। तो करौली धौलपुर भारत का 54वां टाइगर रिजर्व था। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए जना, राजस्थान के अकॉर्डिंग ये अपने राजस्थान का टाइगर रिजर्व, याद रखो, याद जरूर आपको रखना है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, हटा सावन की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में तथ्य। जनाब ये तो आपको इम्पोर्टेंट है, पक्का याद रखने दें, कहीं एसएससी वाला हो, कहीं एसटी स्टेट वाले हो, कोई भी एग्जाम वाले हो, इससे रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे कि राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए 2 चरणों के अंदर, एक हुआ 19 अप्रैल को, एक हुआ 26, ये हुआ था 12 सीटों, ठीक है, ये हुआ था 13 सीटों, ठीक है, कितनी सीटों पर? 13 सीटों। अगर ये भारत के बारे में पूछ लिया जाए तो भारत के अंदर है वो 7 चरणों के अंदर चुनाव, ठीक है। टोटल 25 सीटों के अंदर बीजेपी के पास आई 14 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के साथ करते हुए 11 सीटें हैं इनके पास आई, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा खासा विपक्ष ने है वो जोर दिखाया, विपक्ष जरूर होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत रहा? तो ओवरऑल 62%। भारत की बात की जाए 67% है वो वोट रहा
हाँ याद रख लेना, सबसे बड़ी जीत के बारे में भी याद रख लेना। सबसे बड़ी जीत है वो बीजेपी सांसद बनी है महिमा कुमारी। कौन? महिमा कुमारी सबसे बड़ी। कहिए सर कहाँ की है? तो ये राजसमंद की है। और सबसे युवा की अगर बात की जाए, युवा की बात की जाए तो संजना कौन बनी है? संजना जाटव बनी है। कौन? संजना जाटव बनी है। ये कांग्रेस की है और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से सांसद बनी है। भरतपुर की लोकसभा सीट से सांसद बनी है। ठीक है, सबसे छोटी जीत का फासला, सबसे बड़ी जीत का फासला देख लिया महिमा कुमारी, तो युवा देख लिया संजना जाटव। ठीक है, और सबसे कम फासला जो अनिल चोपड़ा और जयपुर ग्रामीण वाली सीट, राव राजेंद्र सिंह है, जीते हैं। अनिल चोपड़ा ने इन्हें ये वापिस रिकाउंटिंग का भी कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं। ठीक है, ये याद है, जरूर रखे लेना नाम। सबसे युवा का बता दिया, बीजेपी 11-14 भाई ये भी बता दिया आपको। ठीक है, तीन महिला सांसद बनी है, इनके बारे में भी याद रख लेना। महिमा कुमारी राजसमंद की है और महिमा कुमारी के साथ है वो कौन है? तो संजना जाटव है, वो भरतपुर की है, और मंजू शर्मा है, वो जयपुर शहर की है। ये आप याद रख लेना कि हाल ही में विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो कुश्ती में प्रतिनिधित्व वो कौन करेगी? दीक्षा फौजदार करेगी। कौन करेगी? दीक्षा फौजदार के द्वारा है संपूर्ण भारत का कुश्ती के अंदर प्रतिनिधित्व किया जाएगा। दीक्षा फौजदार ये राजस्थान की कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और इसका आयोजन है वो रियो डी जनेरियो फ्रांस के अंदर होगा, सॉरी ब्राजील के अंदर होगा। रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर आयोजन होगा, रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर आयोजित होगा। संपूर्ण भारत का कुश्ती प्रतिनिधित्व करेगी दीक्षा फौजदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 9वें वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने किया है। याद रख लेना कौन सा समिट है, तो ये याद रख लेना 9वां समिट है। कौन सा समिट है? 9वां समिट है, वर्ल्ड समिट। ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर के अंदर हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर के अंदर हुआ है। इसका प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किसने किया? डॉक्टर सौम्या गुज्जर ने किया। ये प्रारंभ कब हुआ है? 2 जून को प्रारंभ हो गया। और ये जयपुर ग्रेटर की डॉक्टर सौम्या गुजर है, वो जयपुर ग्रेटर की क्या है? ये मेयर है, याद रख लेना। राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ पर अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूट और एक्सीलेंशन एक्सीलेटर स्थापित किया जाएगा, मतलब एक्सीलेटर स्थापित किया जाएगा? तो 4 डिस्ट्रिक्ट अंदर स्थापित किया जाएगा, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। पहले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आता था, लेकिन अब जोधपुर नहीं आएगा। जोधपुर किसका क्षेत्र था? विधानसभा क्षेत्र था, तो वो अशोक गहलोत जी का था। ये अपना अपने गांव की तरफ जाएंगे, ये किन के द्वारा? ये डॉक्टर अपने सीएम भजन लाल जी शर्मा है, वो भरतपुर से करते हैं। तो अब जोधपुर की जगह भरतपुर का नाम आएगा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, याद रख लें। कि हाल ही में अमन शेरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है जनाब? याद रख लें कि इन्होंने वो रजत पदक है वो अपने नाम किया है। कौन सा पदक है अपने क्या है, याद रख लेना, रजत पदक है वो अपना नाम किया है। कि हाल ही में किसने नाम किया है? तो अमन शेरावत में, किसके अंदर? बुडापेस्ट के अंदर। ठीक है, कौन सा बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 आयोजित हुआ है? रजत हुआ है। इनको पदक मिला है कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हंगरी के अंदर आयोजित हुआ है। 2024 में पेरिस ओलंपिक के हिस्से लिए है, उसने कोटा हासिल कर लिया जैसे ही रजत पदक था। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब तो बस लास्ट बाद में क्लास। कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 18वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ। ठीक है ना, मुंबई महानगर, ठीक है ना, उसके अंदर आयोजित हुआ। इसी फिल्म फेस्टिवल के अंदर है, अलग 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 पुरस्कार दिए जाएंगे, उनके बारे में भी अपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास लिया है? आप ये क्वेश्चन क्या है, इतना प्यारा क्वेश्चन है। दाढ़ी दाढ़ी नहीं, सच में खेल के अंदर है।
का एक तरफा है वो शंका बजता है जनाब, ये बहुत प्यारे खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले लिया, जिनका नाम है सुनील छेत्री। ये वो खिलाड़ी है जो वर्ल्ड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गोल के अंदर बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं लियोनेल रोनाल्डो के बाद में भारत के है। और इन्हें हैं वो क्या ले लिया, अभी संन्यास ले लिया, ठीक है ना। जब अपना भारत आज़ाद हुआ था ना 62 के अंदर ओलंपिक है तो अपने भारत ने जीता था, ठीक है ना। उस टाइम अपने पास इतना फंड भी नहीं था कि फुटबॉल की टीम जो है वो जकार्ता भेजा जाए, उस टाइम जकार्ता में हुआ था कि जकार्ता भेजा जाए, लेकिन एक बार तो कैंसिल कर दिया था। बाद में कैसे न कैसे करके इनके कोच थे ना सैयद रहीम हैं, वो अपना 100% दिया और लंग्स के थे और इसलिए उन्होंने अपना लास्ट अंतिम वो क्या कहते हैं ना अंतिम स्ट्रगल और अंतिम है वो प्रयास किया था और उस अपने भारत को तो एशियाई भारत को फुटबॉल के अंदर है वो ओलंपिक जिताया था, ठीक है ना। 1962 के अंदर उस टाइम बहुत मुश्किल स्ट्रगल करके हैं, खुद अपने कपड़े साथ में नहीं, थोड़ी सी बाद में कोच थे एक्स्ट्रा, कोई साथ में नहीं गया था, इतना अपने पास फंड नहीं था उस टाइम, है ना। तो ये उस टाइम जीता था, आज 64 साल हो गए के बाद में कोई भी है वो फुटबॉल के अंदर ओलंपिक नहीं जीता, शायद ही जीतेंगे क्योंकि ये सुनील छेत्री थे, इन्होंने अपना संन्यास ले लिया। अब है वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है या फुटबॉल को ऐसे कोई आगे प्रमोट कर रहा, बस ये कह सकते हैं राजनीति कैसे ही खेल को खेल की तरह से रखा जाए तो राजनीति अगर खेल के अंदर आ जाएगी टैलेंट है वो छिप ना होने लगता है, कुछ ऐसा ही फुटबॉल के साथ हुआ। इस पर एक मूवी बनी हुई है मैदान अजय, आप है वो चीज देखना आपकी रो प्यारी मूवी मैदान अजय देव, वो सुनी अपने फुटबॉल के ऊपर ही है कि किस के अंदर का डंका बजा था 1900 के अंदर। खेल छेत्री याद रख लेना, उन्होंने 19 साल तक है वो फिर गोल खेला, ये तीसरे सबसे अंतर्राष्ट्रीय गोल है। इन्होंने 2007, 2011, 2013 और 2014 में AIF प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला और 2019 में 20 के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था, याद रख लेना। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी कब दिया गया था, 2019 दिया गया था। कि हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो जनाब अगर पूछ लिया जाए कितना फोन 1000 दिन कठिन परिश्रम करो, फोन फान सोशल मीडिया से साइड में हो जाओ तो इंसान से नहीं जा जाता। 1000 दिन देख लो, 365 दिन एक साल के अंदर होते हैं, देख लो कितने दिन है, 2.5 साल से देख लो 3 साल तक देख, तो इन्होंने है इतने दिनों तक 1000 दिनों तक है वो अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो वो रूस के है जिनका नाम है ओलेग कोनिनी, अब नाम तो देखो ऐसा ही हो कोनिनी को नाम तो देखो ऐसे ही होगा, ओलेग कोनिनी रूस के ये है, याद रख लेना 1000 दिन है वो अंतरिक्ष। हाल ही में किस राज्य ने ये नागी और नकटी अभ्यारण आद्र भूमि क्षेत्र बनाया है, तो नागी और नकटी अभ्यारण को आद्र भूमि है, तो ये अपने बिहार है ना, इसके CM नीतीश कुमार यादव है, ठीक है नीतीश कुमार साहब है, तो पलटू राम जी है, तो अभी आई होप नहीं पलटेंगे कि अगर पलटें तो NDA की सरकार गिर जाए। अब देखो बोला तो है कि नहीं पलटेंगे चल जाएगी, लेकिन पलट गए तो NDA की सरकार गिर सकती है और ठीक है। तो पलटू राम है ये का इन पैंदे के लोटे मैंने तो कभी आज तक ये यही है। तो अब राजस्थान के अंदर कुल रामसर साइट कितनी 82 है याद रख लेना, बिहार के अंदर है ये नकटी और नागी अभ्यारण को क्या किया गया है आद्र भूमि। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान के अंदर आद्र भूमि कितने हैं, आप कमेंट करें। अब अन्य तथ्य देखते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ये संशोधन हुए हैं ना, ये काफी इनसे आता जाता है, ये 61वां संशोधन मतलब कब हुआ और किस संशोधन के तहत है, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु है लोग चुनाव की कर दी गई वोट डालने की, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, इतनी बार कि इसकी
होता नहीं है। सातवां संशोधन हुआ था 1956 में, जिसमें क्या था, दो या दो से अधिक संयुक्त राज्य संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकते हैं। ये 1956 के अंदर सातवां संशोधन हुआ था। नौवां संशोधन 1960 को हुआ था, बेरुबारी के बाद वाला, आप सबको बताया बेरुबारी वाला। दसवां हुआ था 1966 के अंदर, दादर नगर हवेली वाला। बारहवां 1962 के अंदर, गोवा दीव दमन को स्पेशल दर्जा दिया गया था। पच्चीसवां हुआ था 1971 के अंदर, संपत्ति का अधिकार। और 26वां हुआ था 1971 के अंदर, पीवी पर्स जमानत का अधिकार, सॉरी समाप्त का अधिकार, पीवी पर्स का, ठीक है। 71वां था, 31वां हुआ था 1972 के अंदर, लोकसभा की सीटें हैं वो 25 कितनी हो, 543 हो, ये याद रख लेना। कौन से संविधान संशोधन, 72 के अंदर 31वां संशोधन। फिर आ जाता है 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत है वो 18 वर्ष पर है वो मतदान की कर दी गई के अंदर, और 89 के अंदर, ठीक के अंदर। सर्वा कब हुआ था, तो 1991 के अंदर हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। 73वां सबको पता है, 73वां चौथा शहरी निकाय का था, 74वां और था पंचायती राज का, ठीक है ना। और 101वां जीएसटी का याद रख लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 31वां हो जाता है, 69वां हो जाता है, बाकी 73 74 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबको याद रहते हैं, ठीक है। 69वां 61वां और 25वां ये थोड़ा याद रख लेना, ठीक है ना। बेरुबारी वाला भी काफ़ी क्वेश्चन है, एनटीपीसी आ गया है, ये अपनी क्लास है कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्लास आपको सभी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार और शब्द बनाए रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि नेक्स्ट संडे या उसके आसपास आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि जनवरी से लेकर मई तक जितना भी राजस्थान करंट अफेयर क्या क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस की जाएंगे। लाइव क्लास है तो लेकर आई जाएगी आप सभी के सामने, जीएसटीसी आगामी एग्जाम वाले ये तो पटवार और सीईटी वाले ये तैयारी कर रहे हैं वो तैयार हो जाएं। ये क्लास है तो लाइव आने वाली है, संपूर्ण राजस्थान के 6 महीनों का करंट अफेयर का निचोड़ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका क्लास के अंदर सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई इन 5-6 महीनों का है, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और अगर ये क्लास आप देख के क्वेश्चन इतने पढ़ते हो, ये मेरा दावा है कि आप 70-80% है जीके के अंदर कवर करोगे, ठीक है ना। बाकी अगर 30% आप देखोगे तो वो क्वेश्चन है वो आपको आप अपने आईक्यू लेवल से हैं वो सही कर सकते हो। इतना मैटर अगर याद होता है ना, फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेता है। तो तैयार हो जाना, अपन देखते हैं 15 जून तक या नेक्स्ट संडे तक कि पूरा का पूरा निचोड़ लेके आएंगे राजस्थान का जनवरी से लेकर मई तक। तो देखना ना लाइव क्लास, क्या ना अपने दोस्त का शेयर कीजिएगा। शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें हैं वो अब यूट्यूब पे मिलेगी आपको, शेयर करना है आपको पोस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, संपूर्ण एकदम पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप बने रहिएगा और आप आइएगा, पूरी की पूरी क्लास को जो इसे पढ़ेंगे कि आपको महसूस भी होगा कि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऐसे करंट का पिसो दे ना, ऐसा कुछ आप होगा, ठीक है ना। जनाब याद रख लेना, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यारी सी जिंदगी जीते रहो, ठीक है ना। और एक बात याद रखने का ये भी कि मुश्किलें तो इस जीवन के अंदर आएगी, मुश्किलें जीवन के अंदर आएगी, और इंसानों का दोगला व्यवहार भी आप जरूर देखोगे, उससे आप टूटोगे, लेकिन जनाब ये मुश्किलें हैं वो आपको टूटने से ज़्यादा बेहतर इंसान और मजबूत इंसान बनाएगी, यही आप याद रख लो। बस आपको डटकर खड़े रहना है, आप अगर डटकर खड़े रहे ना आप डेफिनेटली है वो जीतोगे, ठीक है ना। और जब जीतोगे ना तो जिन लोगों ने आपका अभी साथ छोड़ा है ना वो पीछे मुड़ के देखोगे ना आप, आपको उस काफिले के अंदर हाथ हिलाते हुए, ठीक है ना। कोई हाथ छोड़ो, कोई आपको बीच मझधार में छोड़ो, बस आप मुश्किलें हैं आप टूटो लेकिन सामना करो, खड़े हो जाओ, दिल को प्राप्त करो, ठीक है ना।
के साथ अब मैं आज्ञा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट संडे और कम प्यारी सी लाइव क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।